Now, the news that we are tracking from the state of Uttar Pradesh, where clashes broke out during a survey of a mosque. While prohibitory orders are in place, the opposition has begun with its blame game. Statements coming in from the Congress and the Samajwadi Party blaming the administration for the violence in Sambhal. After the Samajwadi Party, it's the Congress that has blamed the administration for the protest, the violence which ensued in Sambhal during the survey of the mosque. Listen in to reactions coming in from the Congress and the Samajwadi Party. So that's the statement that's coming in from Pramod Tiwari of the BJP, who's questioned Yogi government for inaction, delayed action in Sambhal violence. Listen in to the statements. पूरी तरह मैं तो उसे मानता हूँ 100% प्रशासनिक और उत्तर प्रदेश शासन जिम्मेदार है। समय जहाँ तक है, क्या चुना है, फिर एक संवेदनशील मुद्दा था तो इसमें सबको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। और चार चार जाने चली गई हैं जो मुझे रिपोर्ट मिली है, कम से कम उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराज अकीदत देता हूँ, परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं गुनाहगार मानता हूं संभल प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को इस संपूर्ण प्रकरण के लिए। पूरी तरह मैं तो उसे मानता हूं 100% प्रशासनिक और उत्तर प्रदेश शासन जिम्मेदार है। समय जहां तक है, क्या चुना है, फिर एक संवेदनशील मुद्दा था तो इसमें सबको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। और चार चार जाने चली गई हैं जो मुझे रिपोर्ट मिली है, कम से कम उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराज अकीदत देता हूँ, परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन मैं गुनाहगार मानता हूँ संभल प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को इस संपूर्ण प्रकरण के लिए। अभी सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, हमने पूरे शहर का हालात देखा है, लोग अभी आपके सामने दुकान वगैरह खुली है, अभी आज का सभी शांत है, लोग से अपील भी किया हम लोगों ने, सब अपना काम करिए, घर पर आवाई के बाहर से आके काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज वैसे भी आज संभल का साप्ताहिक ऑफ रहता बाजार का, उसके वजह से अभी दुकान खुली, अभी सुबह 8 बजे है, कुछ हलवाई की मिठाई वगैरह हलवाई की दुकान वगैरह खुली है, और बाकी लोग भी जो अपना काम करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी जनपद में एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए हम लोग पोर्स आर्जा का सेक्टर स्कीम लागू करके हम लोग डिप्लाई करके रखा है, अभी आज का कोई दिक्कत नहीं। सर, पूरे इलाके में कितनी फोर्स को डिप्लॉय किया गया, क्या पेट्रोलिंग रेगुलर चलती रही है, कुछ ऐसा समय जो निर्धारित किया गया दोपहर शाम में? ये से नहीं, हमारा जो सेक्टर स्कीम होती है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पिकेट लगाता है, उसके बाद बाकी हम लोग लगातार देखते रहते हैं, हम लोग कहीं कोई बात नहीं, इनपुट इंटेलिजेंस कर करते हैं। वैसे अभी तक लोग के संभल का संभ्रांत लोग है उनसे भी बात होती है, उन लोगों से भी नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, उनसे भी अपील किया, सब लोग गाँव से बच्चे वगैरह से बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर, यूपी की जो साइबर टीम है वो भी सोशल मीडिया पर नजर रखी कि अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए, भड़काऊ पोस्ट डाले उस पर भी एक्शन लिया जाए? देखिए, हम सोशल मीडिया में कितना भी जो पोस्ट आती है उसका सब जांच करते, वेरीफाई करता, कोई भी डिस्टर्टेड फैक्ट डालता उनके खिलाफ एज पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, डिस्टर्टेड फैक्ट कोई भी जाए डालेंगे उसके खिलाफ कानूनी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें अभी तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? कुछ वो अभी तक 20 लोग के ऊपर हिरासत में लिए है, बाकी सब जांच हो रही है। सर, रात भर भी छापेमारी की गई कई इलाकों में? नहीं, अब जो भी हम लोग के पास फोटोज वीडियो कई जगह पुलिस के ऊपर पथराव किया, फायरिंग किया, इसी के आधार पर हम लोगों ने कई लोगों की हिरासत में लिया है, वो सब वेरीफाई हो रही है। और जो पुलिसकर्मी इंजर्ड है उनकी अब हालत कैसी है? सब ठीक है, अब उनके भी कंडीशन नॉर्मल है। And let's go across to Ajay Dubey, who's joining us with more details. Ajay Dubey, if you can give us the latest on what's happening in Sambhal as of now, and what exactly led to the clashes in the district? Right now, the uttermost priority for government, for police in Sambhal is to maintain the peace. And the challenge is that still there is possibility of this thing. That's what input police is getting. And they are trying to make sure that these incident will not happen again. And the important most part is that the closer area of Jama Masjid where this thing happened, that area is totally covered by the police. At every step, police is standing there. And right now, they are also looking for the
people who are responsible for the incident yesterday. They are looking for the WhatsApp groups. They are looking yesterday, few of them were arrested, and police is right now investigating their WhatsApps. Their WhatsApp group. Is there any group where this thing came that people should come out and oppose the judicial process? So that's what police is looking for. And right now, peace is there, stability is there, and the internet is not working over there, and no one from outside can get inside of Sambal district. That's the decision taken by the DM, and police is trying, and administration is trying to make sure that peace will stay there. All right, thank you for the moment, Ajay. Let's also take a look at this ground report that has been filed from Sambal district by Sahil. संभल हिंसा के बाद जो लोग इलाके में रह रहे थे वो कुछ दिनों के लिए अपना सामान बांधकर यहाँ से चले गए हैं। इस वक्त हम उसी गली में मौजूद हैं जहाँ पर हिंसा भड़की थी, जहाँ पुलिस अधिकारियों थे दंगाइयों से बार बार अपील कर रहे थे कि आप ऐसा पथराव ना करें, पुलिस पार्टी पे अपना भविष्य ना खराब करें। ये पहली तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, ये जामा मस्जिद की बैक साइड की तस्वीर है। ऐसे कई जो लोग इलाके में रहते थे वो यहाँ से ताला लगा के कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले गए हैं। इसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि तमाम जो लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं उनको डर है कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वो यहां से चले गए हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से यहां पे दंगाइयों ने पथराव किया था, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि कहीं लोकल जो है लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पनाह ना दी हो, अपने घर पे की छत पे जाने की अनुमति ना दी हो, जिसके कारण वो लोग यहाँ से चले गए हैं। आगे की भी तस्वीर मैं दिखाना चाहूँ तो लाइन से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे मकान बने हुए हैं। इस मकान पे भी यहाँ पे ताला लगा हुआ है। यहाँ से भी जो लोग अंदर रहते थे, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, वो तमाम जो लोग हैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपना सामान बांधकर यहाँ से चले गए हैं। ये लाइन से देखिए, जितने भी आप घर देख रहे हैं सभी घरों पे ताले जड़े हुए हैं। वजह यही कि या तो दंगाइयों का डर, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिन लोगों ने पथराव किया है उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है लोकल लोगों के साथ हो सकता है। एक ये भी जो है डर सता रहा है, तो इसलिए पूरे इलाके में यहाँ पे जो घर है यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और सभी लोग कुछ दिनों के लिए सामान लेके जा चुके हैं। लेकिन पुलिस टीम जो है जो लोग यहाँ से यहाँ पर गए हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर रही है कि आखिरकार हर घर में कितने लोग रहते थे और जिस समय यह हिंसा भड़की उस हिंसा के दौरान उस घर में कितने लोग थे, बच्चे कितने थे, महिलाएँ कितनी थी, पुरुष कितने थे। लिस्ट तैयार होने के बाद इन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ कर तमाम जो जानकारी है जो यूपी पुलिस संभल हिंसा में हासिल करना चाह रही है वो हासिल कर पाएगी कि आखिरकार जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने दंगा किया या कि स्थानीय लोगों की मदद से इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करी, इन्वेस्टिगेट के बाद और ज्यादा जानकारी इसमें यूपी पुलिस हासिल कर पाएगी। एंड वी नाउ गेटिंग अ फ्रेश लीड फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वेयर अजीत पवार्स एनसीपी हैज supported has expressed its intent to support Fadnovis for the CM for the CM post. Ajit Pawar faction that has endorsed Fadnovis for the CM post